लॉयर और बॉस तक इनके काम देखें। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरा से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, दुख और तकलीफ में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ दूर करे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स, एक आज मैं ऐसी चीज़ बनाने जा रही हूँ कि शायद आपने कभी भी जो है नहीं देखी होगी। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से भी शेयर करो। जो होते हैं कुर्बानी में जानवर हम ज़िबा करते हैं, उसमें वाइट चर्बी जो है निकलती है, तो हमने उसको बना कर रखा हुआ था। आपको पता है कुर्बानी के जानवर की जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है। तो इसलिए उसके आज जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमने सोचा उनके आज जो है पराठे बना लें, तो सब जो है मिलकर खाएं, जो कि साथ रहना है और शेयर भी किया करें। और ला भी बस हमारा चूल्हा जो है वो गीला हो चुका है बारिश की वजह से, तो मैं चलती हूँ लकड़ियाँ लेकर उनमें आग डालने की कोशिश करती हूँ और उसमें जो है पराठे बनाती हूँ और अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ। तो आप भी उसमें जो है घर में बना सकते हैं वही पराठे। और अभी चलती हूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी लकड़ है, लेकिन हमारी छोटियाँ लकड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसी से जो है आग डालने की कोशिश करते हैं। बस बड़ी मुश्किल से हमने आग जलाई है, क्योंकि बारिश की वजह से हमारा चूल्हा जो है वो गीला हो चुका था। तो इसलिए आज जो है मैं वाइट चर्बी के जो है आपको पराठे बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि कुर्बानी वाला तो बचा नहीं कि मैं आपको उसके पराठे बनाकर दिखाती, लेकिन आज जो है वाइट चर्बी के मैं आपको पराठे बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि ये घी से जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आजकल के घी जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो है हमने रखा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा जो है जम गया है, तो इसके पराठे जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं। कल और हमें उन्होंने दिए थे, तो आज हमें भी जो है बारिश फॉल हो रही है, तो सबने कहा कि आज हमें भी वही पराठे बनाकर खिलाएं, तो आज मैं वही पराठे इनको बनाकर दे रही हूँ। वही पराठे जो है मुस्तकीम और ज़ोया जो है बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं, तो मैंने सोचा कि आज जो है ज़ोया और मुस्तकीम को जो है मैं वही पराठे आज बनाकर खिलाऊँ।
तो आप इनके साथ जो है अंडा फ्राई कर लें तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाएगा ये। और एक तरीके से मैंने ये आपको बना कर दिया है, और दूसरे तरीके से जो है दूसरे तरीके से भी ये बनता है। दूसरे तरीके से मैं आपको ये बना कर दिखाती हूँ। पहले मैंने कुछ जो है थोड़ा चेंज बनाया था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज बना कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आपके पास ये वाइट मेज है तो आप बना सकते हैं। ये देखिए भी, बस पहले मैंने थोड़ा चेंज बनाया था। ये मैंने दूसरे तरीके से बनाया, दो मैंने बना लिए हैं अभी जो है, दो चार बना लेंगे। और मुस्तकीम और जोया को देखिए, वो तो किसी के इंतज़ार में खड़े हैं कि जल्द और जल्द बन जाए और हम खा लें। अभी के मैंने पराठे जो है बना लिए हैं, अभी नाश्ते में अंडे भी बनाने हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आपको कैसी लगी है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें और लाइक भी किया।